हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन स्वागत करता हूं आपका सभी ज्ञान सीखते रहो यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मोबाइल स्क्रीन पर गुलाब वाला 3D लाइव वॉलपेपर कैसे सेट करें। जैसे देख लीजिए, मेरे मोबाइल स्क्रीन पर गुलाब 3D लाइव वॉलपेपर सेट किया हुआ है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। देख लीजिए, मैं अपने उंगली को अपने मोबाइल स्क्रीन पर जिस तरफ स्वाइप करूँगा उसी तरफ ये गुलाब का पेड़ देख लीजिए घूमने लगेगा। अगर जो मैं इस तरफ स्वाइप करूँगा तो देख लीजिए इस तरफ गुलाब का पेड़ घूमने लगता है। और देख लीजिए, गुलाब का पेड़ के अगल बगल में तितली भी घूम रहा है और गुलाब के पेड़ पर ऊपर से लाइट भी पड़ रहा है। तो ये लाइव वॉलपेपर बहुत ही कमाल का है और 3D है। तो इस तरह का लाइव वॉलपेपर आप भी सेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे सेटिंग भी बताऊंगा। और अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी का आइकॉन आएगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि गुलाब 3D लाइव वॉलपेपर अपने मोबाइल स्क्रीन पर कैसे सेट करें। तो फ्रेंड्स, उसके लिए आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है रोज 3D लाइव वॉलपेपर। आपको ये ऐप इंस्टॉल कर लेना होगा, मैंने पहले से इंस्टॉल कर लूँगा। तो जब इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप चाहे तो सेट वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं, या अगर जो आपको कुछ सेटिंग करना है तो आप यहाँ सेटिंग के ऑप्शन पर कर दीजिए क्लिक, और उसके बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप बहुत सारा सेटिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं लाइट फ्लेयर, यहाँ पर क्लिक करके आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर टच रिएक्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप चालू कर सकते हैं टच रिएक्शन को। आपको यहां से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑन करेंगे तो आपका टच करेंगे तो रिएक्शन देगा, और अगर जो यहां से ऑफ कर देंगे तो टच करने पर रिएक्शन नहीं देगा। तो वो आप यहां से चालू बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, देख लीजिए बटरफ्लाई काउंट। यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपके गुलाब के पेड़ के अगल बगल में कितना तितली आना चाहिए। तो 2 है, मैं 3 पर क्लिक करके 3 कर देता हूँ। यहाँ से रिएक्शन स्पीड, यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका पेड़ स्लो में घूमना चाहिए या मीडियम में या फास्ट में। तो यहाँ पहले से स्लो है, आप चाहे तो हम मीडियम पर क्लिक करके मीडियम कर सकते हैं। अगर जो सब कुछ सेटिंग हो जाता है उसके बाद आप बैक बटन दबा के बैक हो जाइए, ऐड आएगा तो ऐड को हटा देना। और उसके बाद आप यहाँ सेट वॉलपेपर पर कर दीजिए क्लिक, और उसके बाद यहाँ लाइव वॉलपेपर पर कीजिए क्लिक, और उसके बाद इस ऐप के आइकॉन पर आप कर दीजिए क्लिक, और उसके बाद आपको यहाँ अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप यहाँ अप्लाई के ऑप्शन पर कर दीजिए क्लिक, तो उसके बाद वो लाइव वॉलपेपर आपके मोबाइल स्क्रीन पर सेट हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, अब ये सेट हो गया। देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ 3 तितली आ रहा है, पहले 2 आ रहा था। तो इस तरह से आप गुलाब वाला 3D लाइव वॉलपेपर अपने मोबाइल स्क्रीन पर सेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि उनको भी ये ट्रिक पता चले, और आप हमें कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।